डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा अन्य प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड में उपस्थित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री सुजानवीर सिंह जी, पुलिस अकादमी के निदेशक तथा अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्री अशोक कटारिया जी, श्री बलदेव सिंह गोलक जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, अन्य मान्य जनप्रतिनिधिगण, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रशिक्षुगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, इस पासिंग आउट परेड में उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2018 बैच के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के दीक्षांत परेड में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम अपना सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 299 उप निरीक्षक प्रशिक्षकगण को हृदय से बधाई देता हूं। जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से इस प्रशिक्षण को पूर्ण किया है, मुझे अवगत कराया गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को चयन के उपरांत इस अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न आपराधिक विधियों के साथ साथ पुलिस आचरण के सिद्धांत एवं पुलिस के कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा अपराध नियंत्रण एवं अपराधों के त्वरित अनावरण आदि विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही इन्हें शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी आदि का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आज आप सब पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे में जहां एक ओर आपकी इस बल में महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं आपके कार्य के साथ जवाबदेही तक कार्य में पारदर्शिता, जनसेवा के प्रति संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा एवं कठोर परिश्रम भी अपेक्षित है। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी दिशा में अपराध नियंत्रण के साथ साथ आपका दायित्व अपराधों का त्वरित अनावरण तथा दोषी व्यक्ति को दंड दिलाना
एवं पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना है। कानून व्यवस्था का अनुरक्षण भी आपका महत्वपूर्ण दायित्व है तथा सरकार की प्राथमिकता अपराध मुक्त समाज की स्थापना में आप सबको एक नई महत्वपूर्ण भूमिका में अपने आप को साबित करना है। हम सबका यह मानना है कि सुशासन की नींव, कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को दंड दिलाने से और मजबूत होती है। यह कार्य तभी संभव है जब प्रदेश में एक दक्ष, व्यवसायिक, संवेदनशील तथा उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का इस परिप्रेक्ष्य में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी प्रदेश के समक्ष कोई गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति आई है, पुलिस बल द्वारा अपनी योग्यता, साहस, परिश्रम एवं आत्मबल के आधार पर उसका निराकरण किया गया है। आज से आप सभी प्रशिक्षु पुलिस सेवा में योगदान करने जा रहे हैं, अतः प्रथम दिवस से यह आवश्यक है कि आप आज से ही यह प्रण कर लें कि जो शपथ आपके द्वारा इस समारोह में ली गई है उसका पूर्ण पालन करते हुए उसके उद्देश्यों को सही अर्थों में चरितार्थ करेंगे। आपसे यह भी अपेक्षा है कि राज्य की कानून व्यवस्था का अनुरक्षण करने के साथ साथ आप भय मुक्त तथा अपराध मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय एवं प्रभावी सहयोग देंगे। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इतनी विशाल आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था एवं अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान राज्य सरकार के 2.5 वर्ष से अधिक की इस कार्यावधि में प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। प्रयागराज कुंभ 2019, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस, लोकसभा के आम चुनाव को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराना, इसके अलावा समय समय पर प्रदेश के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहारों के सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना और अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले के उपरांत प्रदेश ने शांति और सौहार्द की स्थापना का जो मानक देश के सामने प्रस्तुत किया है, यह एक दक्ष और व्यावसायिक पुलिस बल के दम पर ही संभव हो पाया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं और देश के सबसे बड़े पुलिस बल के एक पार्ट के रूप में आप सब भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस दृष्टि से आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सुशासन का लक्ष्य बेहतर और चाक चौबंद कानून व्यवस्था
के बल पर ही संभव है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना यह एक दक्ष और व्यावसायिक पुलिस बल के दम पर ही संभव हो सकता है और यह प्रशिक्षण आपका उस भूमिका की प्रथम आधारशिला है। आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण के बाद आज जब आप देश के सबसे बड़े पुलिस बल का पार्ट बनने जा रहे हैं, हम सब अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करते हुए आम जन के विश्वास पर अगर अपने आप को खरा उतार पाएंगे तो निश्चित ही विगत कुछ समय से जिस सराहना का पात्र पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बनी है वह निश्चित ही हम सब उसके अनुरूप अगर अपने आप को ढाल पाएंगे तो यह न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए परंतु उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में भी इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। वर्तमान में पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रदेश में विकास और निवेश का जो एक नया माहौल बना है इसमें भी प्रदेश के अंदर कानून के राज को स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त हुई है उसी का परिणाम है और एक कारण है कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किए हैं जिनके कारण प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित पुलिस बल से जुड़े हुए पुलिस कर्मियों से जुड़े हुए उन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही उनके सुयोग्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करने का हो, पुलिस लाइन, पुलिस के थानों या फिर अन्य स्थानों में बुनियादी सुविधाओं की अभिवृद्धि का हो, प्रदेश के अंदर वर्षों से बने हुए तमाम ऐसे जनपद थे जिन जनपदों में अब तक अपनी पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद इस बात पर ध्यान देते हुए उन सभी 7 जनपदों में पुलिस लाइन के लिए भी धनराशि स्वीकृत करते हुए इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ ही देश के इस पुलिस बल सबसे बड़े पुलिस बल में खाली और रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया और जिसका परिणाम था कि पुलिस बल में 75,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती, 4,000 से अधिक उप निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। 50,000 रिक्रूट आरक्षियों की भर्ती का परिणाम अभी हाल ही में जारी किया गया है। 44,000 पुलिस कर्मियों को पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में प्रोन्नति देकर के उन्हें वर्षों से लंबित उनकी समस्या का समाधान किया गया और यही नहीं पुलिस और गृह विभाग के बजट में आशातीत वृद्धि करते हुए 18,000 से बढ़ाकर के 24,500 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए
पुलिस बल से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं का सम्यक समाधान की दिशा में एक व्यवस्था आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे किया गया। 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई और यह भी सुनिश्चित किया गया कि अपनी कार्य क्षमता के बल पर प्रदेश के अंदर आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए जो पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उन पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को 40 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, माता पिता को अतिरिक्त 10 लाख की सहायता राशि, असाधारण पेंशन, एक समय सीमा के अंदर मृतक आश्रित की नौकरी और आर्म्ड फोर्सेस को का भी सहायता धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था विगत 2.5 वर्ष के अंदर सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य किया गया। आज जब 2018 के आप समस्त उपनिरीक्षकगण अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरांत आप सब पुलिस बल के एक पार्ट के रूप में अपने व्यवहारिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीक्षांत उपदेश का जो एक महत्वपूर्ण मंत्र होता है कि जीवन में सदैव सत्य का पालन करूंगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और कर्तव्य के मार्ग में कभी भी किसी भी प्रमाद को नहीं आने दूंगा, मुझे विश्वास है आप सभी प्रशिक्षण प्राप्त उप निरीक्षकगण अपने जीवन में इसको अनुसरण करते हुए एक योग्य पुलिस अधिकारी के रूप में अपने जीवन को उत्तर प्रदेश पुलिस को समर्पित करेंगे और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की महान सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप सबके मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आपके परिजनों की भी मैं सराहना करता हूं जिन्होंने आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और निरंतर आपको प्रोत्साहित करते रहे, वे आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।